स्ट्रगल तो कुछ नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन को तो मेहनत करना ही पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही बोलूंगी कि बहुत हमारा जो था परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरा फर्स्ट टाइम 15 प्लस था, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, पर दुखी वो थोड़ा सा पॉइंट के लिए मेडल गया, पर कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, समझ में आया कैसा था, क्या होते, कितना मैं नजदीक थी। एक्चुअली सच में बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता था मैं इतना नजदीक थी, फोर्थ प्लेस तक आ सकती थी, शायद मैं 7-8 तक आ सकती थी, मुझे पता था, पर मैं फोर्थ प्लेस में बहुत खुश हूं मैं, और दुख भी हूं मेडल गया। सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा कोच मिस्टर नंदी सर को, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, हमारी स्टेट, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, सबका इतना सपोर्ट था, इसीलिए आज मैं इधर पहुंची। सबको थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता हमारे जिमनास्टिक स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है। हमें अभी रिसेंट क्वालिफाई होने के बाद हमें फ्लाइट से फ्रांस से इक्विपमेंट मंगाया गया साई वालों ने, डीजी सर ने, तो उनको बहुत थैंक यू उन्होंने, क्योंकि इतना जल्दी इक्विपमेंट आया हम खुद भी नहीं, 20 दिन में हमें फ्रांस से इक्विपमेंट, हमारे जिमनास्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। खेल रत्न के लिए आपका नाम आगे क्या कैसा देखिए? हाँ, मैंने अगर मेडल मिलता तो शायद ये अवार्ड लेते तो मैं बहुत खुश होती, पर हाँ जिन्होंने किया उनको बहुत थैंक यू, सोचा ऐसे ही।